शिवशक्ति नगर में मंगलवार दोपहर हुई तेज बारिश से बिजली गुल हो गई। इसकी शिकायत करने के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए महावितरण द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षेत्र के आइसक्रीम पार्लर में 25,000 की आइसक्रीम पिघल गई और मंगलवार से आटा चक्की में चक्की फंसी हुई है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है। शिवशक्ति नगर मानेवाड़ा रिंग रोड नंबर 3 श्री गजानन आटा चक्की के नाम से गणेश राव दलाल की आटा चक्की है। मंगलवार दोपहर तेज बारिश के कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, इसलिए गणेश दलाल ने महावितरण के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज की, लेकिन बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए महावितरण द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण मंगलवार से नागरिक आटा चक्की पर डटे हुए है। बुधवार दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने के कारण कई नागरिक कार्यस्थल पर लंच बॉक्स नहीं ले जा सके। साथ ही किनारे स्थित दिनशॉ आइसक्रीम शॉप की 25,000 रुपए की आइसक्रीम पिघलने से खराब हो गई। इसलिए लीला दलाल ने महावितरण से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। अमर नगर रोड शक्ति नगर 3 मध्ये माजी श्री गजानन महाराज फोर मिला है आणि कालपासून वादळ पावसामुळे 3 वाजतापासून लाईन गेलेली आहे। काल कंप्लेंट केली, आज भी कंप्लेंट केली, त्याच्याबद्दल यांनी काही दखल घेतली नाही। माझ्या चक्कीवर 50-30-40 दळणं पडलेले आहे, तरी आज सकाळी जाऊन पुन्हा मी त्यांना विनंती करूनही ते काही सांगायला तयार नाही आहे आणि माझे अजूनपर्यंत 12 वाजून राहिले तरी दळणं पडलेले आहे। लोक माझ्या इथे येऊन राहिलेले आहे दळणासाठी आणि दबान दिला नाही, बरोबर उपाशी आहे, काय करायचं याबद्दल कंप्लेंट करून राहिलेले आहे, याबद्दल दखल घेऊन तुरंत हे करावं। 4:30 लाईट गेलेली आहे आणि आता दुपारचे 12 वाजले तरी लाईट आलेली नाही आहे, त्यामुळे आमची पूर्ण आईस्क्रीमचं माल पूर्ण वितळलेलं आहे, पाणी पाणी झालेलं आहे, 25-30 हजाराचं नुकसान झालेलं आहे। आणि कालपासून NBC News के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।